ठीक है, जितने में एक मिलता है ना उतने में लोकल चार्जर दो मिल जाते हैं। आपको बाय करना चाहिए या नहीं, ये जस्ट एक नाम ही है। तो जिस तरह से पिछली वीडियो में मैंने रोनन का मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है उनका रेट एक प्राइस टैग आपको सब बताया था, तो आज हम लोग उन्हीं प्रोडक्ट्स में से अनबॉक्स करने वाले हैं आज चार्जर्स का। जिस तरह से पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें तीन वेरिएशन आते हैं, आईफोन, एंड्रॉयड एंड टाइप सी, और इनकी प्राइजेस वगैरह भी मैंने सब कुछ आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो मतलब रोनन का जो सारा ओवरऑल जितना भी मतलब प्रोडक्ट है ना, वो सारी के सारी आपको वीडियोस में मैंने पे उसकी प्राइस टैग बता दी थी, क्योंकि मार्केट में क्या मिल रही है मैंने आपको कितनी बताई है, और ये है भी ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो आज ये इनमें से हम लोग एंड्रॉयड जो है वो अनबॉक्स करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट है इसको ऐसे रख लेते हैं ताकि यार अच्छा तो लगे। दिस इज़ आवर प्रोडक्ट नाउ, मतलब ये एंड ये डब्बा और सब कुछ सेम ही है, तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें भी इसमें सेम ही होनी है, लेकिन एंड्रॉयड का थोड़ा सा यार नॉर्मल में आता है, इसका ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ में डिफरेंस आता है, और जबकि टाइप सी और आईफोन में 100 रुपीज़ जो है वो अबव ही आता है। तो सामने अगर हम देखें तो यहाँ पे रोनन है, डायनामिक चार्जर है, मतलब कि बॉक्स की अगर बात करें ना यार, बॉक्स देख के ही ऐसा लगता है तगड़ा बॉक्स है यार, मज़ा आएगा इसको अनबॉक्स करते हुए भी। तो यहाँ पे सामने एक चार्जर है ब्लैक कलर में, और रोनन यहाँ पे ऊपर गिवन दिया गया, साथ में नीचे इसका मॉडल दिया गया, R828 चार्जर एंड 2.4 एम्पेयर। बेसिकली मार्केट में 2.4 एम्पेयर की बहुत से चार्जर्स अवेलेबल होते हैं लोकल मैन्युफैक्चर, लेकिन वो चार्ज उस तरह से नहीं कर रहे होते। बट रोनन की बात करें तो सुनने में आ रहा है कि यार चार्जर है आउट क्लास, लेकिन इसको टेस्ट में करूँगा और टेस्ट करने के बाद दोबारा से एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा मैं। तो उसके अलावा साथ पे भी यहाँ पे केबल दिया गया, मतलब केबल साथ में एंड्रॉयड है, इसका मॉडल दिया गया, रोनन की यहाँ पे नाम लिखा गया। साथ में अगर हम देखें तो 1 ईयर वारंटी के साथ आपको मिलता है, और साथ में ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन, मतलब कि भाई यार इनकी जो चीज़ें वगैरह वो। बैक पे अगर बात करें तो हम बैक पे हम यहाँ पर इंग्लिश में, तुर्किश में एंड अरेबिक में, तीन लैंग्वेजेस में यहाँ पे दिया गया क्या क्या इसमें है। डुअल यूएसबी है, मल्टीपल सर्किट प्रोटेक्शन है, एनर्जी सेविंग है, सीक डिज़ाइन है, लाइट वेट एंड कम्पैक्ट एंड पोर्टेबल, बार फोन ऑटो आईडी। तो उसके अलावा वारंटी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वारंटी डज नॉट कवर दी फॉलोइंग, मतलब कि ये सब कुछ साथ में इन्होंने मेंशन किया गया। साथ में इनके कस्टमर केयर सेंटर का लोकेशंस वगैरह दी गई हैं, एक कराची सदर है और जस्ट एक ही है। उसके अलावा यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म का गिवन दिया गया। अब इसको हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं। वो यार मेरा वो जो चाकू था मेरा सोना सा चाकू, वो बेचारा जो है यार वो पता नहीं कहीं खो चुका है, तो इसके बगैर ही गुजारा करना पड़ेगा। तो ये हमारा बॉक्स एंड ये हमारे चार्जर की फर्स्ट लुक है, जो कि ब्लैक कलर में है। अब मुझे पता नहीं है कि यार वेयर इज़ कलर मेंशन, यहाँ पे नहीं है आई थिंक सो, यहाँ पे इसमें ब्लैक कलर ही आता है, और मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें वाइट कलर भी आता है। अगर वाइट कलर आता है तो सिंपल यार ये ब्लैक में और वो वाइट में हो जाएगा। तो ये हम बॉक्स यहाँ पे रखते हैं। उसके अलावा ये हमारी केबल है एंड ये हमारा अडॉप्टर है, ये इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो अडॉप्टर की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो बिल्कुल एक लाइट वेट अडॉप्टर आ रहा है यार, सिंपल डिज़ाइन है, लाइट वेट है। ऊपर अगर हम USBs की बात करें, मतलब यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऊपर हल्की सी शाइनिंग ब्लैक की फिनिशिंग की गई है, और मैट ब्लैक कलर में आ रहा है, काफ़ी अच्छा है। और इसके ऊपर भी और बात करते हैं तो यहाँ पे बैक पे यहाँ पे डिज़ाइन बाय रोनन है, और यहाँ पे लिखा गया है साथ में इनपुट AC 100 to 240 वोल्ट, वही नॉर्मल में आ रहा है। तो ये क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसका कह रहे हैं कि यार इसकी 1 साल की वारंटी भी है, और साथ में ये भी है कि यार चीज़ भी अच्छी है। तो लेट्स ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं कितनी अच्छी और क्या है। मेरे चैनल पर यार मैं अपनी जो भी प्रोडक्ट अनबॉक्स करता हूँ यार उसको मज़ीद टेक्निकल तरीके से इसको देखता हूँ, ताकि यार इसका दोबारा रिव्यू किया जाए कि यार वाकई ये जो के बारे में सब लोग बोलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो यार को इन डेप्थ इन डिटेल देख लें, उसके बाद ही पता चलेगा हाँ भाई इसमें कितना दम है। तो ब्लैक कलर की यहाँ पे हमें डेटा केबल दी गई है, डेटा केबल की भी फिनिशिंग काफ़ी तगड़ी लग रही है,
क्योंकि यहाँ पर ही ऑलरेडी बैंड हुआ हुआ है, क्योंकि बहुत सी मोस्टली डेटा केबल जो आती हैं वो यहाँ से बैंड करो तो यहाँ से टूट जाती हैं। बट यहाँ पे इसको देख के लग तो नहीं रहा कि यार ये केबल यहाँ से इतनी जल्दी टूटने वाली है, और इसकी ये जो जगह है ये भी ऐसी इन्होंने बनाई है कि इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। तो बिल्कुल लाइट वेट केबल है, और यहाँ पे जो इसकी प्लास्टिक है, प्लास्टिक के साथ यहाँ पे आई थिंक सो ये थोड़ी बहुत रबर इन्होंने यहाँ पे यूज़ की है ताकि जो प्रोटेक्शन है केबल की वो ज़रा अच्छी रहे। तो बहरहाल डेटा केबल पे भी बात करेंगे, लेकिन वो सेपरेट वीडियोस पे बात की जाएगी उस पर, क्योंकि वह यार पिछली वीडियो में भी मुझे डेटा केबल्स का भूल गया था, याद नहीं रहा, जिसकी वजह से अब डेटा केबल्स पे हम लोग सेपरेट बात करेंगे। अब रॉनन का ये चार्जर मैट ब्लैक फिनिशिंग है और बिल्कुल सिंपल सा है यार। यार मुझे लगा था ना इसका सेपरेट वो अडाप्टर्स होते हैं ना, मैंने सेपरेट यहाँ से लगा होता या फिर जो वायर होती है ऑलरेडी साथ जुड़ी होती है, तो इसमें वो सीन नहीं है। इसमें जो वायर एंड अडाप्टर है ये सेपरेट आपको दिया गया। बिलफर्ज अगर आप दो मोबाइल के साथ चार्ज करना चाहें तो आई थिंक सो इसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि दो मोबाइल्स को सेम चार्ज कर सके, ना कि एक ज़्यादा फास्ट चार्ज करो और दूसरा जो है वो नॉर्मल चार्ज करो। लेकिन देखेंगे कि क्या ये कारनामा करता है, इसको टेस्ट करेंगे। देखिए डेटा केबल इसकी सेपरेट है और अडाप्टर है वो सेपरेट है, आप बाउंड नहीं रहोगे किसी चीज़ में। कि बिल्कुल वो दूसरे जो चार्जर्स होते हैं ना यार, लोकल चार्जर जो होते हैं उनमें चार्जर होते हैं उसके साथ ही से ही आपको वायर गिवन दी जाती है, और साथ में ऊपर आपको दो पोर्ट्स दी जाती है यूएसबी के। उसमें एक यार नुकसान ये हो जाता है कि जो साथ उसके चार्जर की पोर्ट होती है वो तो अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन जब ऊपर वाला जो यूएसबी पोर्ट होती है वो चार्ज अच्छा नहीं कर रही होती, उसमें बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज कर रहा होता है। बट इन्होंने एक खाते ही मुका दिया कि यार साथ वाली केबल है ही नहीं, अडाप्टर अलहदा है एंड जो डेटा केबल है वो अलहदा है। अब देखना ये कि डेटा केबल और अडाप्टर जो अलग अलग है इनकी स्पीड भी अच्छी है या नहीं, तो इसको मैं टेस्ट आउट करूँगा और डीपली इन डेप्थ फिर जाके दोबारा से इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि वाकई ही रॉनन का प्रोडक्ट जितना एक्सपेंसिव है, ठीक है, जितने में एक मिलता है ना उतने में लोकल चार्जर दो मिल जाते हैं, आपको बाय करना चाहिए या नहीं, या जस्ट एक नाम ही है। तो मार्केट में इसकी जो प्राइस है, ये जो मॉडल बिक रहे हैं, ठीक है, मैं एंड्रॉयड की बात करूँगा, एंड्रॉयड जो है ये ऑलमोस्ट 1200 मैक्सिमम बिक रहे हैं, मिनिमम 800-900 रुपीज़ का बिक रहा है, मिनिमम 1200 कॉस्ट भी कभी कभी घर जाता है रॉनन के नाम से। जबकि आईफोन एंड टाइप सी की अगर बात करें तो टाइप सी और एंड्रॉयड का जो चार्जर है ये ऑलमोस्ट आपको 1300-1400 मैक्सिमम एंड मिनिमम जो है आपको 900-1000 में इजीली मार्केट से अवेलेबल है। अगर आपको कोई जानने वाला है तो यार वो आप वहाँ से इजी ले सकती हो, लेकिन यार प्राइस टैग जो है ना इसकी, बेस्ट प्राइस टैग जो है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर दी है। अगर आपको ऑर्डर करना है वहाँ से डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हो, और प्रोडक्ट जो है वो अच्छा प्रोडक्ट बंदा दे रहा था, तो यार मैंने बोला चलो यार कोई नहीं, लगाते हैं देखते हैं क्या होता है, तो ये कि आप वहाँ से सीधा बाय कर सकते हो। तो यार ये थी आज की हमारी वीडियो, ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत सी चीज़ें हमारी क्लियर आउट हो चुकी होंगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।